रुक करते हैं बिसार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर में पूर्व कांग्रेस युवा अध्यक्ष एवं विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तीखे तंज कसे हैं। विक्रमादित्य ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार सीरियस होकर काम नहीं कर रही है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज हवा बाले मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में घूमना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के बनने के बाद 2 हेलीकॉप्टर खरीदे जा चुके हैं और प्रदेश कर्जे में डूब रहा है। हमीरपुर में पूर्व कांग्रेस युवा अध्यक्ष एवं विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तीखे तंज कसे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार सीरियस होकर काम नहीं कर रही है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज हवा वाले मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में घूमना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के बनने के बाद से 2 हेलीकॉप्टर खरीदे जा चुके हैं और प्रदेश कर्जे में डूब रहा है। विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री को आज पता नहीं है कि कहां पर आपदा से नुकसान पहुंचा है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में ही आते हैं। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो कांग्रेस पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाती थी, लेकिन आज खुद बेपरवाह होकर फिजूल खर्ची में जुटी है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयुर्वेदिक विभाग के घोटाले को विधानसभा में भी उठाया गया है, लेकिन प्रदेश सरकार का कोई ध्यान इस ओर नहीं है। वही भारतीय जनता पार्टी है जो जब हमारी सरकार थी उस समय हम पे आरोप लगाते थे कि ये फिजूल खर्ची कर रहे हैं। आज जो ये कल्चर नहीं है, मैं तो उसको आयुर्वेदा डिपार्टमेंट में घोटाला कहूंगा जी। और हमने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाना था, कोई कारण रहे क्योंकि हम समय की कमी की वजह से हम इसको विधानसभा में नहीं उठा पाए। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने इसको इस मुद्दे को उठाना था कि किस तरीके से जो पैसा आयुर्वेदा में जो है कोई अलग अलग जो स्टूडेंट्स ने दिया है, कोई एडमिशन के माध्यम से जमा हुआ रजिस्ट्रेशन फीस थी, हाँ रजिस्ट्रेशन फीस थी, उस पैसे का आप उपयोग जो है वो गाड़ियाँ खरीदने के लिए, लग्जरी गाड़ी खरीदने के लिए कर रहे हैं। वैसे ही HRTC जो वैसे ही कंगाली के कगार पे है, रोज सरकार से कर्जा ले लेकर जो है कॉरपोरेशन चला रही है और यहाँ पे 23 लाख रुपए की गाड़ी जो है वो मुख्यमंत्री जी को गिफ्ट कर रही है। तो ये इस चीज़ को दर्शाता है कि ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। इनके जो मंत्री है आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में, कोई फॉर्च्यूनर में, कोई कैमरी में, जो 20-25 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो ये और मुख्यमंत्री तो हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरते। आज जब से बने हैं तब से 2 नए हेलीकॉप्टर सरकार ले चुकी है। तभी जब जो महत्वपूर्ण मुद्दे जो मैंने कहा कि PWD का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, PWD के बारे में जो मैंने कहा कि ध्यान आकर्षण में ये लाया गया कि प्रदेश में जो भी बाढ़ आए, जो त्रासदी हुई, उसमें जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है। पता इसलिए नहीं है क्योंकि वो हेलीकॉप्टर से कभी नीचे नहीं उतरते। कभी शिमला से सुन्नी जाना हो, जो सुन्नी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, 15-18 घंटे का रास्ता है, वहाँ पर भी वो हेलीकॉप्टर से आते हैं, तो उनको कैसे पता होगा कि जमीन स्तर पे क्या कार्य हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये केवल हवा वाले मुख्यमंत्री है। आने वाला समय में एक पानी वाला मुख्यमंत्री था, एक और मुख्यमंत्री था, ये हेलीकॉप्टर वाले मुख्यमंत्री के लाएंगे और मंत्री के लाने।